कर दिए गए हैं, अमल की शरायत आप वहाँ से बासानी इख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह आपको बताया गया है वैसे ही आप इख्तियार करेंगे। जो आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ बहुत ही नायाब और बहुत ही आला मुकलीन का अमल है। आयतुल कुर्सी हजारी चढ़ी मूसा पैगंबर की सवारी, खुदा की खुदाई मुहम्मद की बादशाही, ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई। ए जिब्राइल हाजरा दिखा तुझे हजरत अली शेरे खुदा की दुहाई, बेहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अजाइमत थी। अब आपको इसका तरीका मैं आपको बताती जाती हूँ। कमरा पाक साफ हो, कमरे में किसी किस्म की गंदगी ना हो, टीवी वहां पर चलता ना हो और कभी उस कमरे में गाना या कोई फहाशी का काम ना हुआ हो। अदाबे हाजरात और शरायत का खास ख्याल रखें। एक दफा उनको लाजिम सुनने परहेज जलाले जमाली की वीडियो पोस्ट की हुई है, वहां से भी आप परहेज जलाले जमाली का बासानी तरीका इख्तियार और पता कर सकते हैं। और आपको अगर आप चाहते हैं कि बगैर जुकात के इस अमल को कामयाब बनाया जाए तो आपने सबसे पहले पाक साफ कपड़े पहनकर बावजू होकर अगरबत्तियां सुलगाकर और जाए नमाज पर मशरिक के सिमत जाए नमाज को बिछा ले और खुद इस पर बैठकर मशरिक जो मशरिक की सिमत है इस तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है और अपने सामने सफेद मिठाई यानी शरीनी या फिर मिठाई बर्फी पर सफेद रंग की हो उस पर हजरत अली रसी अल्लाह ताला की न्याज दिलानी है। चंद अदद गुलाब के ताजे फूल भी साथ रख लेने हैं। जब आप मिठाई पर न्याज दिला लें तो मिठाई खुद भी खाएं और बच्चों को भी तकसीम पहले करें। और अब आपने जो है अपने हाथ के दाएं अंगूठे पर या हथेली पर स्याही या काजल लगा लेना है। 11 मरतबा तरोशी पढ़कर 28 मरतबा जो ऊपर मैंने आपको अजाइमत बताई है वो पढ़कर अपने हाथ पर दम करना है और अपनी नजरों को उसी स्याही के ऊपर गौर से देखते हैं, नजरों को गाड़ी रखें। जैसे एक दम आपके ऊपर मुकलीन का नजूल होगा, काजल की स्याही में आपको हरकत महसूस होगी, बस आप समझ लें मुकलीन की हाजिरी हो गई। सबसे पहले मुकलीन को सलाम पेश करें और सलाम पेश करने के बाद उनसे अर्ज करें जो आपने बात उनसे पूछनी थी, जिस मकसद के लिए आपने उनको हाजिर किया है, हर सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त मिलेगा। जब आप सवाल का जवाब हासिल कर लें तो फिर मुकलाब का शुक्रिया अदा करें, सलाम अस्सलाम वालेकुम कहकर रुखसत करें, काजल की स्याही को पाक साफ कपड़े से साफ कर दें और अपने ऊपर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें ताकि खुदा न खास्ता कोई मसला या कोई रिजत का शिकार ना हो। अगर आप यही अमल किसी बच्चे के ऊपर करना चाहते हैं तो जो तरीका आपने लिए आपने पेश किया था या अपने लिए इख्तियार किया था वही तरीका बच्चे के लिए इख्तियार करें तो बहुत जल्दी आपको जो है मुकलीन की हाजिरी का नजूर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी सवाल पूछेंगे बासानी आपको अच्छा सवाल का जवाब मिलेगा और किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे अमल पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको बासानी मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताकि नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाए। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।